हाय गाइस, वेलकम हियर। फ्रैक्शन की इस पढ़ाव में आज हम लोग शायद पांचवी क्लास, मतलब फिफ्थ पार्ट है फ्रैक्शन का ये। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हमने कर लिया है, अभी आई थिंक ये लास्ट पार्ट होना चाहिए और इसे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर बीच में कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लो, मैं सारा प्रॉब्लम आपका आई थिंक सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। हाँ, जब तक आप बताएंगे नहीं क्या प्रॉब्लम, तब तक मैं जानूंगा नहीं। सो पढ़ाई के दौरान कभी भी कुछ भी दिक्कतें आती है, वेदर द चैप्टर रिलेटेड विद फ्रैक्शन और नॉट, एनी अदर चैप्टर, वेदर यू हैव डिफिकल्टी इन साइंस और मैथ्स, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर होल्स 2/3 is 60। आपसे पूछा जा रहा है वो नंबर है, फाइंड आउट करके बताइए जिसका 2/3 क्या है, 60 है, राइट? फिर से क्वेश्चन को समझिए, हमें वो नंबर चाहिए जिसका 2/3 क्या है, 60 है। 2/3 क्या है, 60 है। 2/3 इज इक्वल टू 60, यही ना दिया हुआ है। 2/3 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 60, कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, श्योर लिख सकते हैं। चलिए, 2/3 ऑफ नंबर इज इक्वल टू 60। अच्छा, नंबर को लेट द नंबर बी एक्स कर सकते हैं क्या, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स है एज्यूम कर सकते हैं, नंबर के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कॉपी पेन 100,000 कुछ भी मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। नंबर कितना मान लिया यहाँ पर, एक्स मान लिया। तो देखिए क्या करेंगे, 2/3 ऑफ का मतलब इंटू और नंबर का मतलब हमने क्या मान लिया, एक्स, इसका टू क्या आ गया, 60 आ गया, ठीक है? अब क्या है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 60 × 3/2, ठीक है? ये 2 से 30 बार में कट जाएगा, 90 आंसर, और रिक्वायर्ड नंबर इज 90। मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ यहां तक प्रॉब्लम है, ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बन गया। आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, ठीक है, कुछ इस तरह से अगर लिखने सीख गए ना, ये लाइन अगर आप सीख गए तो आपको फ्रैक्शन का कोई भी, चाहे इवन मैथ्स के जो वर्ड प्रॉब्लम है, अगर ऐसे लिखने सीख जाते हो, रिड्यूस करने सीख जाते हो, तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। और हो सकता है आप जब ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करते जाओगे, आप उतना ही उसमें एक्सपीरियंस होते जाओगे और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन कवर्स 3/4 of its total distance. Find out how much distance left to cover. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में लग रहा होगा कि काफी टफ क्वेश्चन, पता नहीं क्या दिया हो, कुछ नंबर वगैरह है नहीं, बट क्वेश्चन को आप फिर से बोलो, कितना कवर कर लेता है ट्रेन, 3/4 कवर कर लेता है। आपसे पूछा है कि कितना बच गया, याद कीजिए फर्स्ट डे मैंने बताया था कि जो भी फ्रैक्शनल नंबर होता है वो नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाला उसका पार्ट होता है, ठीक है? तो अगर हम कुछ ऐसे देखें 3/4 को, 3/4 को अगर हम देखें तो 4 में से शायद 3 बता रहा है, मतलब अगर टोटल डिस्टेंस एज्यूम करने के लिए अगर हम 4 एज्यूम कर लेते तो उसने 3 पार्ट कवर कर लिया, ऐसे हम दिखा सकते। देखिए ये क्या है, ये देखिए, ये हम सेट कर देते हैं 3/4। अब आपको लग रहा होगा 3 तो हो चुका है, 4 में 3 हो चुका है और ये 4th पार्ट बचा हुआ है, मतलब कि ये एक पार्ट बचा हुआ है, तो आप कह सकते हो ये वाला पार्ट कितना, ये वाला पार्ट कितना, ये 1/4 कह सकते हो, ये सिर्फ ये वाला, ठीक है? मतलब जो अनसेट पोर्शन है, जो रंग नहीं किया हुआ है, वो कितना है, 1/4, 4 में से 1 में, मतलब 4 में से 3 कवर कर लिया है, इसका मतलब कि 4 में से 1 बच गया है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, 1 − 3/4, मतलब पूरा 1, तो ये आ जाएगा 1/4, या फिर डायरेक्टली आप 1/4 भी लिख सकते हो, कोई सुन, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं समझ गया, ठीक है? नेक्स्ट,
गीता वर्क्स फॉर 20 days. हर फ्रेंड सीता वर्क्स ओनली 1/4 ऑफ व्हाट ऑफ द डेज दैट गीता वर्क्स. कैलकुलेट हाउ मेनी डेज गीता वर्क्स. इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, पहले आप इसको हिंदी करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं. गीता कितना दिन काम करती है? 20 दिन. उसकी जो फ्रेंड है सीता, वो उसका 1/4 काम करती है. किसका 1/4? जितना दिन गीता काम करती है उसका 1/4. तो गीता कितना दिन काम करती है? 20 दिन. इसका मतलब 20 का 1/4. कोई बता सकता है? ऐसे लिख सकता ना, 20 का 1/4. हिंदी हो गया ना. अच्छा इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 1/4 of 20. चलिए दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ 1/4 ऑफ मिस इनटू 5 days. कितना दिन काम करती है सीता? 5 दिन. बहुत इजी क्वेश्चन. पूरा से टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टफ लगता है, लेकिन वो हो सकता है इजी हो. गंगा हैज 1,000 rupees इन हिज बैंक अकाउंट. मतलब गंगा के पास क्या है? 1,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट. हाँ बेचारा गरीब है, 1,000 बचा हुआ है, मजदूरी करता है. ही विथड्रॉ 4/5 ऑफ this total money. Find out how much money left in his bank account. ठीक है, मतलब कि यहां बताया जा रहा है कि गंगा के पास 1,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में, और वो क्या कर लेता है? विदड्रॉ कर लेता है. विदड्रॉ करना मतलब निकाल लेना. कितना निकाल लेता है? 4/5. किसका निकालता है? टोटल मनी का. तो 4/5 टोटल मनी मतलब 1,000. 4/5 निकाल लेता है. बताया जा रहा है कितना मनी उसके पास बच जाता है बैंक अकाउंट में. ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि कितना मनी उसके पास बच गया. हम दो तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. पहले ये जान लेते हैं कि वो कितना निकाल लेता है. ठीक है, 4/5 ऑफ टोटल मनी वो निकालता है ना. मतलब 4/5 ऑफ किसका निकालता है? टोटल मनी. टोटल मनी कितना है? 1000. 1000 का 4/5 निकालता है. मतलब 4/5 इंटू 1000 एंड 5 से कितना वर्ग कट जाएगा? 20 वर्ग. यानी कि वो कितना निकाल लेता है? 800. ठीक है, 520 is 100, 800 rupees निकाल लेता है. तो आप बता सकते हैं 200 बच जाएगा ना उसके पास. एक ये तरीका हुआ. दूसरा तरीका ये हुआ, आई थिंक इसके लिए पेन भी जरूरत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. 4/5 उसके वो क्या क्या निकाल लिया, मतलब 5 में से 4 निकाल लेते, कितना बच गया उसके पास? 5 में से 4 निकाले तो 1 बच गया ना. मतलब 1/5. 1/5 किसका? 1,000. अब 1/5 ऑफ 1,000 मतलब 200 रुपया उसके पास बच गया. आप डायरेक्टली ऐसे जा सकते हो, या फिर दोनों के दोनों शॉर्टकट ही है. कुछ ज्यादा टफ है नहीं क्वेश्चन. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया एक बार प्लीज आप इसको रिपीट कर लेना. ठीक है, और नहीं तो फिर आप मेरे साथ बढ़ते रहिए आगे. फोर्थ नंबर क्वेश्चन. श्याम हैज 25,000 rupees He gave 1/4
of the money to his elder son and 2/5 of the money to his younger son. Find out how much money has he left. Has he left? देख लीजिए क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बता रहा है कि श्याम के पास कितने रुपए हैं? 25,000 रुपए हैं टोटल. ठीक है, वो 1/4 किसको दे देता है? एल्डर सन को दे देता है. पहले जरूरी चीजों को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ. 1/4 किसको देता है? एल्डर सन को, और 2/5 दे देता है यंगर सन. तो पूछा जा रहा है फाइंड आउट हाउ मच मनी हैज लेफ्ट, कितना मनी उसके पास बच गया. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टोटल मनी कितना था? 25,000. ठीक है, इल्डर सन को कितना दिया? गैप टू इल्डर सन कितना? 1/4 है ना. 1/4 किसका? 1/4 टोटल पैसे का ना, मतलब 1/4 मतलब 1/4 × 25,000. ठीक है, इतना दे दिया. अच्छा, यंगर सन को कितना दे दिया? यंगर सन को वो दे देता है 2/5 ना, किसका? 2/5 और 25,000. That is 2/5 × 25,000. ठीक है, यहां से पता चल गया कि वो इल्डर सन को कितना देते. और जो पैसा दे दिया वो तो दे दिया, बाकी जो कितना बच गया है उसके पास वो इन दोनों को प्लस करके और 25,000 माइनस कर आ जाएगा. और इसका आंसर मुझे कमेंट करके दे देना, मैं चेक करूंगा. ठीक है, इसका आंसर कहां देना है? कमेंट में. ठीक है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 श्याम वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बुक से ले लेता हूं. आई थिंक जो भी क्वेश्चन होगा, इन ए क्लासरूम देयर आर 2/3 गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज. इफ 1/4 of the girls and 3/5 of the boys are absent, then find out what part of total student is present. Right. हमारे पास क्वेश्चन है कि क्लासरूम में 2/3 गर्ल्स हैं और बाकी बॉयज हैं. फिर गर्ल्स का 1/4 ऑफ द गर्ल्स और बॉयज का 3/5 एबसेंट है. तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा पार्ट जो है वो प्रेजेंट है, टोटल स्टूडेंट्स का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है. क्वेश्चन सीम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वी मेक इट इजी. अगर क्वेश्चन आप लोग समझ जाते हो तो ये इजी है, टफ नहीं है. देखिए, हमें ये बताया गया कि 2/3 है, 3/5 है, 1/4 है. ये क्या दिख रहा है? ये मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन. ये तो बताया नहीं टोटल स्टूडेंट्स कितने, बॉयज कितने, गर्ल्स कितने. चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताया तो हम मान लेते हैं. सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया ना. मैं एक बार फिर से समझा दूं, एक क्लासरूम में 2/3 गर्ल्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस क्लासरूम में उसका 2/3 क्या है? गर्ल्स हैं और बाकी
बॉयज हैं, अच्छा टू थर्ड गर्ल्स हैं, थ्री में से टू बॉयज हैं, थ्री मतलब वन बच गए ना, तो वन बाई थ्री बॉयज होंगे, टू थर्ड गर्ल्स है तो वन बाई थ्री बॉयज होंगे, ठीक है। अब जितने भी गर्ल्स हैं उनका वन फोर्थ और जितने भी बॉयज हैं उनका थ्री फिफ्थ एबसेंट है, मतलब वो नहीं आ रहे हैं आज छुट्टी पे, वो नहीं दे मना, तो आपको बताने के आज कितने प्रेजेंट है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास एच एक्स, ठीक है, कितने बच्चे मान लिए हमने, एक्स बच्चे मान लिए टोटल क्लासरूम में। अब बता देते हैं गर्ल्स कितना है, कितने गर्ल्स है वहां पर, टू थर्ड टोटल का, टू थर्ड क्या बोले, टू थर्ड गर्ल्स है इन क्लासरूम, देयर आर टू थर्ड गर्ल्स, ठीक है, टू थर्ड गर्ल्स है, तो एक्स का टू थर्ड कितना होगा, टू बाई थ्री ऑफ एक्स, मतलब टू एक्स बाई थ्री लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए हमें बॉयज कितना होगा, बॉयज टू थ्री में से टू बॉयज है गर्ल्स है तो बच गया वन ना, यानी वन बाई थ्री जो है वो हम लोग सिंपली कह सकते हैं थ्री में से टू पार्ट, तो वन बाई थ्री एक्स क्या होंगे, बॉयज होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, मैं समझा दूंगा इसे, ठीक है, फर्स्ट वन बाई थ्री एक्स, ठीक। गर्ल्स के लिए हमें पता चल गया टू एक्स बाई थ्री, बॉयज भी पता चल गया वन बाई थ्री एक्स। अब यार एक और लॉजिक डाल दिया इसमें, जितनी गर्ल्स है ना उसका वन बाई फोर्थ, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वन फोर्थ, नहीं ऐसे लिखते हैं एबसेंट गर्ल्स कितने हैं, वन फोर्थ ऑफ कितने, वन टू एक्स बाई थ्री ना, क्योंकि टू एक्स बाई थ्री गर्ल्स है, जितने लड़के हैं उसका वन बाई फोर एबसेंट है, तो टू एक्स बाई थ्री, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते ना, तो आपका मतलब इंटू होता है ना, तो वन बाई फोर इंटू टू एक्स बाई थ्री, तो टू एक्स अपॉन फोर थ्री जाए ट्वेल्व, टू सिक्स जाए ट्वेल्व, एक्स बाई सिक्स, ठीक है, ये एक्स बाई सिक्स हो गया, क्या एबसेंट है कौन, गर्ल्स। अच्छा एबसेंट बॉयज कितने बॉयज एबसेंट है, तो थ्री फिफ्थ बॉयज एबसेंट है, तो बॉयज टोटल कितने थे, वन बाई थ्री एक्स, मतलब कि ये हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे लेंथ हो गया है, तो थ्री फिफ्थ ऑफ वन बाई थ्री एक्स, मतलब कि थ्री बाई फाइव इंटू, अरे वन इंटू एक्स एक्स लिख सकते हैं, मतलब थ्री थ्री कट गया एक्स बाई फाइव, ठीक है। एबसेंट गर्ल्स निकल गया एक्स बाई सिक्स और एबसेंट बॉयज निकल गया कितना, एक्स बाई फाइव। हम बोल सकते हैं बॉयज प्लस गर्ल्स कितने एबसेंट है, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल कितने एबसेंट हो गए, तो एक्स बाई सिक्स प्लस एक्स बाई फाइव, ठीक है। इधर इरेज कर दो, मैं इधर इरेज कर देता हूं, इधर मैं इरेज कर देता हूं, कितने हो गए टोटल, टोटल एबसेंट एक्स बाई सिक्स प्लस एक्स बाई फाइव, नाउ एडिंग दिस सिक्स फाइव जा थर्टी फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स इलेवन एक्स अपॉन थर्टी, राइट, दिस इज इलेवन एक्स अपॉन थर्टी, मतलब इलेवन एक्स अपॉन थर्टी क्या है, एबसेंट। हमसे क्या पूछा है कितने प्रेजेंट है, या आप देख लो या बन गया थर्टी में इलेवन एबसेंट है तो कितना बचेगा, नाइनटीन एक्स बाई थर्टी, ठीक है, नाइनटीन एक्स बाई थर्टी दैट इज नाइनटीन अपॉन थर्टी पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, क्यों भाई कितना कितना सर सॉल्व किया, इधर सॉल्व किया उधर सॉल्व किया इधर मिटाए, भाई मेहनत तो करना पड़ेगा ना, और वैसे ये इजी है, अब ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करने पड़ते हैं, अच्छे से समझाने के लिए स्टेप्स गाइप कर देंगे तो फिर बेटर नहीं होगा ना, इसलिए अच्छे से समझाने के लिए हमने इतना स्टेप्स किया, आप लोग करोगे तो इतने स्टेप्स नहीं, इवन मैं बता रहा हूँ ना, इसको पेन की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ एनी पेन, राइट, तो आप ये ऐसे ही कर सकते हो, पर प्रैक्टिस तो करो, स्टार्ट तो करो, पहाड़ तो लगेगी, चीजें पहाड़ लगेंगी, बट उसको आपको काट करके रास्ते बनाने हैं, ठीक है। फिर भी एक बार आप इसे रिपीट कर लेना, वीडियो को पॉज करके और फिर बैक जाके रिपीट कर लेना, फिर भी दिक्कतें आती हैं तो फिर मैं अवेलेबल हूं हमेशा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है,
I think this is a tough one. Mahesh deposited 1/2 part of his income in a bank. Remainder सॉरी 2/3 ऑफ रिमाइंडर मतलब जो बच गया जमा करने के बाद 2/3 ऑफ रिमाइंडर इन एजुकेशन एंड 1/4 इन Oh, 1/4 of remainder in food. Now, again, we put the left money in his bank. If he spends 1,000 rupees in food, then find out how much money he deposit in the bank. ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. महेश अपनी आय का 1/2 भाग बैंक में जमा कर देता है. शेष का 2/3 भाग शिक्षा में तथा शेष का 1/4 भाग भोजन में खर्च करता है तथा शेष रुपए अपना एक बचत खाते में जमा कर देता है. यदि वह भोजन में 1,000 रुपए खर्च करता है तो वह कितना रुपया जमा करता है. देखिए दो चीज है, क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा डिफरेंट हो गया है. यहाँ पे बोला है 1/2 पार्ट ऑफ हिज इनकम इन ए बैंक और एक जगह और वो क्या करता है बैंक में जमा कर देता है, बट अकॉर्डिंग टू बुक आई थिंक वो दूसरा अकाउंट में जमा करता है. तो हो सकता है आंसर मिसमैच करे, इससे टेंशन नहीं है. जो भी यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. अब देखते हैं, ये तो नहीं दिया हुआ है कि उसके पास कितना रुपया है. हाँ एक चीज दिया हुआ है कि वो खाना पे जो है ना वो 1,000 रुपया खर्च करता है. ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि खाना पे उसके पास मतलब खाना में कितना खर्च किया था अपने हिसाब से, फिर जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से. तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उनका इनकम कितना है, महेश का इनकम क्या था. तो लेट द इनकम ऑफ महेश इज इक्वल टू एक्स रुपीज. ठीक है, महेश का इनकम कितना एक्स रुपया. अब इजी है, 1/2 पार्ट कहां जमा कर देता है बैंक में, तो बैंक में जमा करता है इन बैंक. बैंक में कितना जमा करता है 1/2 पार्ट यानी 1/2x. ठीक है, बैंक में कितना जमा करता है 1/2x. तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, क्योंकि अब जो बोला है ना जो बचता है उसका रिमाइंडर 2/3 ऑफ रिमाइंडर बैंक में जमा करने के बाद जो बचता है. तो उसके पास टोटल एक्स था, बैंक में जमा किया हाफ एक्स मतलब एक्स बाई टू, तो बचा कितना था इतना, इतना जमा कर दिया. तो बचेगा उसके पास इनकम तो माइनस कर दीजिए ना, तो ये आप माइनस करोगे तो ये एक्स बाई टू ही आएगा माइनस करने पे. ठीक है, मतलब उसके पास अभी तक बच गया एक्स बाई टू. अगेन वो जो बचता है उसका 2/3 कहाँ खर्च करता है एजुकेशन में. तो अगेन फिर से हम लोग देखते हैं इन एजुकेशन, एजुकेशन में कितना खर्च कर देता है वो 2/3 ऑफ रिमाइंडर मतलब जो बचता है उसका. तो 2/3 ऑफ एक्स बाई टू, 2/3 ऑफ एक्स बाई टू. ठीक है, मतलब हो गया कितना, ये 2 कटेगा ऑफ में इंटू एक्स बाई थ्री. एक्स बाई थ्री एजुकेशन में खर्च कर दिया. ठीक है, कितना खर्च कर दिया एजुकेशन में एक्स बाई थ्री. अब उसके पास कितना बच गया रिमाइंडर,
उसके पास कितना बचा हुआ था, x by 2 बचा हुआ था ना, तो x by 3 वो एक्सप्रेशन में खर्च कर दिया, मतलब कि अब उसके पास बचेगा x by 2 minus x by 3। सपोज 100 रुपया था मेरे पास, हमने 40 रुपया बैंक में जमा किए, 60 रुपया बचा, फिर 20 रुपया जमा, 20 रुपया कहाँ खर्च कर दिए, एजुकेशन में। तो अब 60 में से 20 माइनस करेंगे, 40 बचेगा मेरे पास। उसी तरह से x रुपया था महेश के पास, x बटा 2 जमा किया तो माइनस करने पे आया x बटा 2, मतलब x बटा 2 उसके पास बच गया। फिर इसका 2 बाई 3 वो एजुकेशन में खर्च किया, मतलब x बाई 3 खर्च किया, तो उसके पास था बचा हुआ कितना, x बाई 2, x बाई 2 में x बाई 3 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना बचा हुआ। बहुत स्टूडेंट इसको x में माइनस करेंगे, लेकिन नहीं, आप चीजों को केयरफुली सावधानी से समझो। x बाई 2 में माइनस करें x बाई 3, तो ये आप माइनस करोगे तो एलसीएम तो 6 आने वाला है, ठीक है, और 3x 2x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x x बाई 6, मतलब अब तक उसके पास x बाई 6 बच गया है, कितना बच गया, x बाई 6। अब x बाई 6 जो है ना वो फूड पे खर्च करता है, नहीं, x बाई 6 जो है ना वो कहाँ खर्च करता है, अच्छा x बाई 6 उसके पास बचा हुआ है एजुकेशन में खर्च करने के बाद, अब उसका 1/4 जो है ना वो फूड पे खर्च करता है, ठीक है, मतलब उसका 1/4 पार्ट कहाँ खर्च कर देता है, फूड पे। तो उसको देखते हैं, थोड़ा हमें इरेज करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उसको ये वाली चीज इरेज कर देता हूँ। ठीक है, x by 6 वो कहाँ बच गया उसके पास ना, तो 1/4 ऑफ रिमाइंडर ऑन फूड, तो फूड पे खर्च करेगा, नाउ ऑन फूड कितना खर्च करता है, 1/4 ऑफ जो बच गया था, कितना बचा था x by 6, ठीक है, मतलब 1/4 इंटू x by 6, x by 24, x by 24 क्या था, वो क्या कर दिया, खर्च कर दिया किस पे, फूड पे, x by 24 वो फूड पे खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बच गया, उसके पास था x by 6 लेकिन खर्चा किया इसका 1/4, मतलब x by 24 फूड पे, ठीक है, तो मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि फूड पे खर्च कर दिया कितना हुआ, x by 24। और यहां पे क्वेश्चन एक जगह क्या दिया हुआ है कि वी एक्सपेंड 1000 रुपीज इन फूड, मतलब 1000 रुपए क्या करता है, फूड पे खर्च कर देता है, 1000 रुपए क्या करता है, वो फूड पे खर्च करता है। और हमारे हिसाब से यहाँ आया x by 24, मतलब कि हमारा हिसाब और क्वेश्चन का हिसाब मैच करना चाहिए, है ना, क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपए फूड पे खर्च किया, हम कह रहे हैं x by 24, मतलब कि ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x by 24 is equal to 1000, मतलब कि हम कह सकते हैं x is equal to 24 into 1000, 24000। अब देखिए, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 24000, और x क्या था, टोटल इनकम था किसका, महेश का, स्टार्टिंग में हम लोग एज्यूम माने थे ना, लेट द इनकम ऑफ महेश इज इक्वल टू एक्स रुपया, तो मतलब वो 24000 कमा रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि बैंक में उसने कितना जमा किया, ठीक है, तो देखिए बैंक में कितना जमा किया, 1/2 पार्ट, 1/2 पार्ट मतलब आधा पार्ट, तो उसका इनकम था 24000, जमा कर देगा उसका आधा मतलब 12000, यानी यहाँ बैंक में जो कितना डिपॉजिट कर लिया वो 12000, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है, आंसर यहाँ भी हो सकता है या फिर एक जगह और वो बैंक में जमा करता है, यहाँ देखिए जो भी मनी खाना खा करके बच जाता है ना, जो मनी खाना खा करके बच जाता है वो फिर से बैंक में जमा कर देता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि खाना खाने में खर्च किया था कितना, x by 24, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास x by 6 था ना, x by 24 खाना खाने में खर्च किया, तो क्या बचेगा उसके पास, x by 6 minus x by 24। Now, इधर मैं इरेज कर देता हूं, x by 6 बचा हुआ था, x by 24 वो खर्च किया फूड पे, थोड़ा वापस जा रहे हैं ना, कंफ्यूज मत हो ना, काफी लिख दिया था, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे इजी है ये, x by 6 now after food he has left कितना बच गया उसके पास, x by 6 minus x by 24, ठीक है, LCM लोगे अब 24 आ जाएगा, और 4x minus x 3x होगा, मतलब x by 8 उसके पास बच गया था।
अब एक्स वाई तो बैंक में जमा कर दिया था फिर से, क्योंकि एक बार यहाँ आधा पार्ट जमा किया था, अब कुल मिलाकर हम देख रहे हैं एक्स वाई यहाँ जमा किया है, ठीक है। तो एक्स बाई एट कितना, एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं 24,000। तो एक्स बाई एट इजकल टू एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं 24,000 बाई 3,000, ठीक है। ये कहाँ जमा कर देता है, बैंक में। कितना जमा कर देता है बैंक में, 3,000। अब पहले कितना जमा किया था, 12,000। तो टोटल वो बैंक में कितना जमा करता है, टोटल इन बैंक 15,000, ठीक है। मतलब टोटल वो 24,000 रुपए कमा रहा था, तो 15,000 वो बैंक में जमा कर देता है। दैट्स ऑल, यही था, ठीक है। तो ये मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप अगर बनाते जाते हो, और ये क्वेश्चन ना काफी कंफ्यूजिंग होता है, आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होगा, हम साथ हैं, हम आपके साथ साथ चल रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ दिक्कतें आती हैं, इवन इसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो आप क्या करो, ये मुझे कमेंट करो, ठीक है। हाँ, क्या करना है आपको कि एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। एज ए होमवर्क मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, राम गेव 3/4 ऑफ टोटल इनकम ऑफ 3/4 ऑफ हिज टोटल इनकम टू हिज ब्रदर एंड the remainder of 1/4 expend on food, expend मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं खर्च करना, खर्च करता है food पे। if he expends 400 rupees on food, then find out how much money he gave to his brother, right? आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आंसर कमेंट कर देना, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ 7562898202। आप इसके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो हमें, और इसे आंसर मुझे कमेंट कर देना या फिर इसको मैसेज कर देना। हाँ, एक जरूरी बात, चैनल पे आप जाना, ऑनलाइन क्लास ईडी, ऑनलाइन क्लास एडी आप यूट्यूब पे सर्च में बारे में लिखोगे, ऑनलाइन क्लास एडी फ्रैक्शन लिखना, सर्च करना, तो देखना एक कुछ इस तरह का लोगो आ जाएगा, यहाँ ऑनलाइन क्लास एडी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब उस पर क्लिक करना, और यहाँ पे देखना आप एक सब्सक्राइब का बटन होगा जो कि रेड टाइप दिख रहा होगा, उसको दबा देना, क्लिक कर देना, और नोटिफिकेशन भी होगा उस पर भी क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, जब भी मैं क्लास दूंगा वो आपको आपके पास मैसेज चला जाएगा, ताकि तुम क्लास अटेंड कर सको, और ये चीजें आपकी नॉलेज इनहेंस करने में मदद करती हैं, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन भी होगा, आप उसमें चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।